नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी का यह खास इनिशिएटिव फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स में। टारगेट है हमारा सीजीपीएससी का आने वाला प्रारंभिक परीक्षा, जिसके मद्देनजर यहाँ पर हम लोग कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों को शेड्यूल बता देता हूँ किस तरह से हम लोग जो है सिलेबस को रिवाइज कर रहे हैं। सुबह 8 बजे आप लोगों को यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, शाम को 5 बजे आप लोग करेंट अफेयर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हो, और रात को 8 बजे आप लोग सीजीजीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हो। ये हफ्ता खत्म होने के बाद जो अगला हफ्ता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उस हफ्ते में हम लोग ऐड करने वाले हैं पंचायती राज और नगरीय निकाय को। इसके अलावा साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी उसमें ऐड किए जाएंगे। तो आने वाले हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा वहाँ पर इंडियन इकोनॉमी के भी क्वेश्चंस को ऐड किया जाएगा। तो एफटीआर के साथ बने रहिएगा और अपने रिवीजन को बढ़ाते चलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियोस में हम लोग एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, आज के वीडियो में हम लोग कुल 9 से 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करने वाले हैं और साथ में करते चलिएगा। और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपने टोटल में से कितना सही किया है और कितना गलत किया है। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो है मस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछा जाने वाला है, तो इसको ध्यान से करिएगा। और इसीलिए इस क्वेश्चन को जो है मैं स्टेटमेंट में करवा रहा हूँ, ताकि आपको 4-5 प्रश्न आप यहाँ से तैयार करके जा सकें, और कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन है, हाल ही में जारी अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2018 के संदर्भ में से सत्य कथन का चयन करें। स्टेटमेंट नंबर 1 कहता है यह रिपोर्ट बाघ जनगणना पर आधारित चौथी रिपोर्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या 2967 है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश 526 है। और चौथा स्टेटमेंट कहता है इस रिपोर्ट के अनुसार 2014 की तुलना में बाघों की संख्या में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक क्वेश्चन तो आपसे यहाँ से बनेगा ही, इसीलिए मैंने स्टेटमेंट में दिया, पहले भी बताया कि यहाँ से आप लोग चार पांच क्वेश्चन तो आप लोग यहाँ से कर ही जाओ। तो पहले स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं, यह रिपोर्ट बाघ जनगणना पर आधारित चौथी रिपोर्ट है। तो सबसे पहला रिपोर्ट रिलीज किया गया था कब, 2006 में। हर 4 साल में बाघ जनगणना किया जाता है, तो दूसरा रिपोर्ट कब आया, 2010 में। तीसरा रिपोर्ट 2014 में, और चौथा रिपोर्ट 2018 के आंकड़ों पर है। तो ये चौथी रिपोर्ट है बाघ जनगणना पर, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। याद रखिएगा सबसे पहला रिपोर्ट कब आया था, 2006 में आया था। इसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट है इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या 2967 है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। हाल ही में जो अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2018 जारी किया गया है, उसके अनुसार भारत में बाघों की संख्या 2967 है। आप यहाँ पर इसको लगभग 3000 भी याद रख सकते हो, ताकि ये डेटा आपके पास में हो सके। और 2018 और 2014 में जब रिपोर्ट रिलीज हुआ था, तो उस समय बाघों की संख्या लगभग 2250 के आसपास था। तो ये याद रखिएगा, और अगर ये याद नहीं, 2250 मैंने इसलिए यहाँ पर बताया कि आप लोग इस डाटा को याद रख सको। ठीक, और 2018 की रिपोर्ट के अनुसार बाघों की संख्या इस प्रकार से है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है सर्वाधिक बाघ जो है मध्य प्रदेश राज्य में पाए गए हैं 2018 के इस रिपोर्ट के अनुसार, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ हैं 526, उसके बाद कर्नाटका आपका आ जाता है जहाँ पर नंबर है 524, और इसके अलावा उत्तराखंड में बाघों की संख्या है 442। ये टॉप 3 स्टेट्स हैं जहां पर बाघों की संख्या सर्वाधिक है। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो बाघों की संख्या में बाकी राज्यों में देखोगे, तो हर राज्य में वृद्धि हुआ है। 2 राज्य हैं, एक है आपका मिजोरम और दूसरा है आपका छत्तीसगढ़, जहां पर बाघों की संख्या में कमी देखी गई है। और जब छत्तीसगढ़ करंट अफेयर वाला वीडियो डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पर मैंने एक्सप्लेन भी किया था छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में। और उड़ीसा ऐसा राज्य है जहां पर बाघों की संख्या अपरिवर्तित रहा है, यानी कि 2014 में जितने बाघों की संख्या थी, 2018 में भी बाघों की संख्या उतना ही रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा, जो थर्ड वाला स्टेटमेंट था कि सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में है, ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाता है। चौथा स्टेटमेंट है इस रिपोर्ट के अनुसार 2014 की तुलना में बाघों की संख्या में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो यहाँ पर जो मैंने दूसरा स्टेटमेंट एक्सप्लेन किया उसको देखिए,
2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितना है, 2967, और 2014 में बाघों की संख्या कितना था, लगभग 2200 या 2250 के आसपास। तो इसका जब आप परसेंटेज निकालोगे तो ये 15% का वृद्धि दर्ज नहीं करता है, लगभग आपका 30% का वृद्धि दर्ज करता है। तो इसीलिए जो हमारा चौथा स्टेटमेंट है वो यहाँ पर गलत साबित हो जाता है। और प्रश्न में पूछा गया था कि सत्य कथनों का चयन करें, तो देखिए कौन सा कथन सत्य है, आपका ऑप्शन जो सी है वो इस प्रश्न का सही जवाब बन जाता है। स्टेटमेंट 1, 2 और 3 सही है। तो बाघों की जनगणना से संबंधित इतने पॉइंट्स आप लोग अच्छे से करके जाइएगा, प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने शुरू में भी बोला था ना कि यहाँ से प्रश्न आपसे बनेगा। चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का क्वेश्चन है, भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक किस शहर में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत न्यूज़ में भी रहा था। ऑप्शन है आपके सामने भोपाल, जयपुर, दिल्ली या फिर मुंबई। ई कचरा क्लिनिक भारत का पहला भोपाल में स्थापित किया जा रहा है। जो भी घरेलू इस्तेमाल होता है प्लास्टिक, उसको प्रॉपर तरीके से प्रबंधन किया जा सके, मैनेज किया जा सके, इसलिए भोपाल में ई कचरा क्लिनिक स्थापित किए जाने का फैसला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से लिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का थीम क्या है। ऑप्शन है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, नाइट्रोजन प्रदूषण। तो बताइए 2019 वायु प्रदूषण का थीम क्या रखा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या रखा गया है, तो ऑप्शन ए आपका जो है वो सही जवाब होगा, वायु प्रदूषण। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, और इस बार थीम क्या था, वायु प्रदूषण रखा गया था, एयर पोल्यूशन। और सबसे पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, 5 जून 1974 को मनाया गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा नेक्स्ट का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन सा है। तो जो अगला प्रश्न है वो है, किस राज्य में भारत का पहला डायनासोर म्यूजियम खोला जाएगा। ऑप्शन है आपके सामने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो भारत का पहला डायनासोर म्यूजियम जो है गुजरात में खोला जाएगा। गुजरात का रैयोली गाँव है, रैयोली गाँव, इस गांव का नाम अगर हो सके तो याद रखिएगा। इसी गांव में जो है डायनासोर म्यूजियम, भारत का पहला म्यूजियम खोला जाएगा, डायनासोर म्यूजियम, और ये गुजरात के महीसागर जिले में स्थित है, गुजरात का महीसागर जिला, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण सम्मेलन से संबंधित है। ये प्रश्न भी जो है मैं आप लोगों को स्टेटमेंट में दे रहा हूँ ताकि यहाँ से आप लोग 2-3 प्रश्न तैयार करके जाएं। तो प्रश्न है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। स्टेटमेंट नंबर एक है, सितंबर 2019 में न्यूयॉर्क में जलवायु शिखर वार्ता का आयोजन किया गया। स्टेटमेंट नंबर सेकेंड है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP25 2019 का आयोजन स्पेन में किया गया। स्टेटमेंट नंबर 3 है, C40 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया। तो बताइए इन तीनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पर्यावरण संबंधित जो सबसे बड़े सम्मेलन होते हैं, तीनों सम्मेलन का नाम यहाँ पर मैंने लिखा है, और यहाँ पर बताइए कि कौन सा सही जवाब है। स्टेटमेंट पढ़िए, सबसे पहले स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। सितंबर 2019 में न्यूयॉर्क में जलवायु शिखर वार्ता का आयोजन किया गया, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। संयुक्त राष्ट्र का जब जनरल असेंबली का 74th सेशन चल रहा था, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, तो वहाँ पर जो है जलवायु शिखर वार्ता का आयोजन किया गया सितंबर 2019 में। तो वहाँ पर चर्चा में कौन रही थी, ग्रेटा थनबर्ग, जिनको कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 भी चुना गया है। तो इस तरह से चीज़ों को लिंक करके याद रखने की कोशिश कीजिएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, सितंबर 2019 में न्यूयॉर्क में जलवायु शिखर वार्ता का आयोजन किया गया। सेकेंड स्टेटमेंट है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन यानी कि COP25 2019 का आयोजन स्पेन में किया गया। तो यह स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाता है, दिसंबर के पहले सप्ताह में ही संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP25 2019 का जो आयोजन है स्पेन की राजधानी मैड्रिड में किया गया। ध्यान रखिएगा, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में जो है COP25 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 25 का सम्मेलन जो है आपका कहाँ किया गया है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में किया गया है दिसंबर 2019 में।
थर्ड स्टेटमेंट है C40 जलवायु शिखर सम्मेलन का, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 40 का जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है भारत में किया गया। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। इसका आयोजन जो है भारत में नहीं किया गया, इसका आयोजन 9 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर 2019 के दौरान डेनमार्क में किया गया है। ठीक, याद रखिएगा। तो इस स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पता चल गया कि तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, 1 और 2 जो है आपका स्टेटमेंट सही है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ। तो जो अगला प्रश्न है, गंगा नदी डॉल्फिन की वार्षिक जनगणना का आयोजन हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य तथा नरोरा रामसर स्थल के बीच कितने किलोमीटर के क्षेत्र में किया गया? डॉल्फिन पर जो है प्रतिवर्ष जनगणना किया जाता है, तो ये जनगणना किसके द्वारा किया जाता है ये भी ध्यान रखिएगा। इस जनगणना को किया जाता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर डैश इंडिया की तरफ से किया जाता है, और उत्तर प्रदेश वन विभाग के साथ में मिलकर इस जनगणना को प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। और टोटल जो आपका प्रश्न पूछा गया था कितने किलोमीटर तक किया गया, तो ये 250 किलोमीटर तक में गंगा नदी डॉल्फिन का जो है वो गंगा नदी डॉल्फिन जनगणना को किया गया। यहाँ पर एक प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिए कि भारत के कौन कौन से राज्य में गंगा नदी डॉल्फिन पाया जाता है। ठीक है, आप लोग को पता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा नदी डॉल्फिन, तो इस तरह से यहाँ से प्रश्न भी आपसे बन सकता है, तो इसके लिए भी आप लोगों को तैयार में रहना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या था हमारा, ए 250 किलोमीटर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा अमेजन जो है विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वन है, यह वन कितने देशों में फैला हुआ है? स्टेटमेंट है, ऑप्शन है आपके सामने 3, 5, 7 या फिर 9। तो बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेजन वन में जो पता है आपको 2019 में बहुत भयंकर आग लगी थी, जो कि पूरी दुनिया में एक चिंता का विषय है। और यह आप लोगों को पता है कि ये लगभग 60 लाख जो है वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वन है। और यहाँ आप लोगों को पता है कि प्रतिवर्ष 230 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, और पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 85% से अधिक जो आगजनी के मामले हैं उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। और सबसे पहले तो ये प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि कुल कितने देशों में जो है अमेजन वन फैला हुआ है, तो ये टोटल जो है आपका साउथ अमेरिका का जो रीजन आता है, उस साउथ अमेरिका के रीजन में टोटल 9 देशों में जो है आपका अमेजन वन फैला हुआ है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा आपका आ जाता है 40% ब्राज़ील में, उसके बाद पेरू आ जाता है, कोलंबिया आ जाता है, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गुयाना और सूरीनाम, और इसके अलावा फ्रेंच गुयाना। तो इस तरह से 9 देशों में अमेजन वन फैला हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपसे यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश जो है जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? जलवायु आपातकाल यानी कि पहला है आपके सामने ऑप्शन ब्रिटेन, दूसरा है स्वीडन, तीसरा है आयरलैंड, चौथा है फ्रांस। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए ब्रिटेन। ब्रिटेन दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसके संसद की तरफ से जलवायु आपातकाल की घोषणा की गई है, यानी कि संसद में प्रॉपर एक अधिनियम पारित करके जलवायु आपातकाल की घोषणा की गई है। इसके बाद ब्रिटेन के बाद आयरलैंड के सरकार की तरफ से भी जलवायु आपातकाल की घोषणा की गई है। और एक चीज और याद रखिएगा, दिसंबर 2019 में यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी जो है जलवायु आपातकाल की घोषणा की गई है। तो इन तीनों के बारे में याद रखिएगा, जलवायु आपातकाल से संबंधित अगर प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने ए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय सचिव, ऑप्शन बी है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, ऑप्शन सी है नीति आयोग उपाध्यक्ष, या फिर ऑप्शन डी है मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रश्न का
सही जवाब जो होगा ना वो होगा आपका ऑप्शन ए। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय पर्यावरण सचिव चंद्रकिशोर मिश्रा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को शुरू किया गया कब, ये आपका शुरू किया गया 10 जनवरी 2019 को। क्यों किया गया, आप लोगों को पता है कि जिस तरह से आप लोग देखते हो बड़े बड़े शहरों में किस तरह से वायु प्रदूषण जो है वहाँ हावी हो जाता है, किस तरह से वायु प्रदूषण की वजह से वहाँ पर माहौल ख़राब हो जाता है, तो इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से, पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत की गई 10 जनवरी 2019 को। इसमें बजट का प्रावधान रखा गया 300 करोड़ रुपये, और यह जो स्वच्छ वायु कार्यक्रम है इसका लक्ष्य है 2024 तक, यानी कि 5 वर्षीय यह कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए एक समिति की भी गठन की गई, जैसा कि इस प्रश्न में पूछा गया है। तो उस समिति के अध्यक्ष कौन है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, चंद्रकिशोर मिश्रा, ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के सचिव हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद इस डिस्कशन का जो हमारा लास्ट का क्वेश्चन है वो है, हाल ही में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर किसने प्लास्टिक को बिटुमिन में परिवर्तित करने की घोषणा की है। ऑप्शन है आपके सामने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, रिलायंस पेट्रोलियम कॉरपोरेशन या फिर ऑल ऑफ दी एवर। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑल ऑफ दी एवर। महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती के अवसर पर रिलायंस इंडस्ट्री के बाद सरकारी स्वामित्व वाली इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम ने एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके एक सड़क का निर्माण किया जाएगा, यानी कि विटामिन में परिवर्तित किया जाएगा। इसीलिए यह स्टेटमेंट जो है हमारा ऑल ऑफ दी एवब सही हो जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होता है। तो इस तरह से हमने टोटल 10 यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चंस किए हैं, किससे संबंधित, इन्वायरमेंट से संबंधित। इसके अलावा कल के वीडियो में हम कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे, और इसके बाद जो कब वीडियो आएगा वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड या इंपॉर्टेंट अवार्ड से रिलेटेड होगा। उसके बाद नेशनल करंट अफेयर वाला सीरीज हमारा खत्म हो जाएगा, उसकी जगह पर कुछ और सब्जेक्ट्स को ऐड किया जाएगा ताकि आपका रिविजन जो है सारे कंप्लीट सिलेबस का हो सके। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपसे एक प्रश्न यहाँ पर और है, यहाँ पर एक बात और है कि आपने जितना भी सही किया है उसको एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा एक बात और ध्यान रखिएगा कि FTR के मेगा टेस्ट से अभी तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और जो 3000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट की बात आप लोगों से की गई थी कि अगर 3000 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहते हो आप लोग, तो जो लोग FTR के मेगा टेस्ट से रजिस्ट्रेशन किए हैं उनके लिए 3000 क्वेश्चंस ओपन हो चुका है वेबसाइट पे। तो वेबसाइट पे जाइएगा और वहाँ पर जाकर आप लोग देखिएगा कि अगर आपने जब रजिस्ट्रेशन कर लिया है FTR टेस्ट से, तो वही यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर आप उस 3000 क्वेश्चंस के 100-100 क्वेश्चन का सेट है वहाँ पर जाकर पेपर सॉल्व कीजिए, और पूरा एकदम प्रैक्टिस सेट है आपका, एनालिसिस मिलेगा और आपका राज्य स्तरीय यानी कि ओवरऑल रैंकिंग क्या है उस बात को भी आप वहां पर जान सकोगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक यू बाय। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।